करूंगा शादी, लेकिन आपको रोहित की शादी सेतु से करवानी है। सेतु, she is an amazing girl. रोज के साथ बहुत खुश रहेगा, प्लीज आप लोग मान जाइए ना। हाँ ठीक है। God, I'm so happy. 6 दिनों बाद हमारी शादी है। Wow, that's great news, यार. Congratulations, Ritwik. हम बचपन के दोस्त हैं और बचपन से हम एक दूसरे के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आए हैं, तो अगर आज भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे ना साथ में। टेल मी गोलियां चली थी मेरे ऊपर, बचपन से आज तक यू हुआ नहीं था, आई जस्ट गॉट किडनैप्ड, जस्ट अ लिटिल स्ट्रेस्ड, दैट्स इट। यू नो व्हाट, आई ट्रस्ट यू, मुझे पता है कि तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा और I trust you. ये लड़की मेरा कुछ नहीं सुनती, जब भी बताओ पर नहीं सुनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही नहीं है, इतना अच्छा लड़का था, सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। ममता नून जी का फोन है। हेलो। नमस्ते मंजीत जी, मैं मिसेस नून बोल रही हूँ। ममता जी नमस्ते। थैंक्स ममता जी, पर ममता जी वो सेतु के पेरेंट्स। मंजीत जी, रोहित उसके पेरेंट्स सेतु के पेरेंट्स से जरूर बात कर लेंगे, लेकिन हमारे ऋत्विक और अनन्या की शादी तो पक्की हो गई है और हमने डिसाइड कर लिया है सारी अरेंजमेंट्स शादी की आप ही करने वाली हैं, आप मना नहीं कर सकती। तो चंगा जी चंगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है जी, रब की कृपा नाल मैं ही करूंगी जी वेडिंग प्लानिंग। चलिए तो तय हो गई बात। हाँ जी हाँ जी, चलो जी रख दिया फोन। तुम्हारी मम्मी ने तो हाँ कह दी। अच्छा, मुझे तो कह रही थी कि डेट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे लगा कुछ हो गए होंगे चेंजेस। सो इट्स डन। अच्छा लिसन, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना फोन पे एक ग्रुप बनाती हूँ और जितने भी हमारे शादी रिलेटेड चैटिंग होगी हम उस पे कर लेंगे, यू नो व्हाट्स अप गाइस। गुड, सबको ऐड कर लेना, दादी को, विजय जी को, तारी को, शिवम को, पलक को और मंजीत जी को भी। ओके कूल, चलिए हम चलते हैं। I'll also leave now then. सुनो, I know तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। I mean कल रात को ही वो और अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जैसा लड़का हूँ, मेरी जो रेपुटेशन है, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, मेरे वो वाली कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हारे लिए पलक। I would never, not for you. Ritwik, तू यहाँ पे अभी भी क्या कर रहा है? चल, we have so many things to do. What are you doing? I'm talking to her. अरे अरे चलना, बहुत काम है। पलक, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। चलना, bye. Bye. तू अभी भी यहाँ पे क्या कर रहा है? चल। अब ऋत्विक को हासिल करने के लिए सेतु को हाँ तो बोलनी पड़ेगी ना। उसी टेंशन ना लो जी, मेरे पास एक प्लान है जिससे ऋत्विक भी हमारा होगा और सेतु नाम का कांटा भी हट जाएगा। पूरी मैनू लगता है तनु सेतु दे प्यो दे नाल गल करनी चाहिए यार। हाँ यार, हाँ वो तो करनी है। मुझे ना लग ही रहा था बहुत अच्छा दिन होने वाला है, इसलिए ना मैंने सुबह केक बेक किया। दादी मुंह मीठा करो ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए मेरे घर आ रही है। और क्या चाहिए मुझे? लो, भाई की शादी हो रही है, उसकी खुशी नहीं है तुझे? एक डिस्क्लेमर है। क्या मतलब, जिसे भी अपनी जान प्यारी है वो ये केक ना खाए। Among that's so bad यार, रीव्स ने बनाया तो it'll be delicious. Exactly. It's just that रीव्स, last time you made it, it was a little hard and Shivam was playing frisbee with it. पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए फास्ट रखा है। जय माता दी, चुनाया खाई पूरा खत्म। तुझे तो अच्छा लगता है खाना, तू बता। नहीं दी, 6 दिन में शादी है ना और मैंने स्वीट्स खाना छोड़ दिया है। तो भाई केक मैंने बनाया।
बिटू वो मैंने जब सत्यनारायण की पूजा की थी ना, मैंने कसम खाई थी कि मैं एक महीने तक शक्कर नहीं खाऊंगा। अगली बार बनाएगी डबल बनेगी, मैं जरूर खाऊंगा। अंकल आंटी, ये वो सुमन, डॉक्टर सुमन की डाइट कर रहा है, ये रुजुता की डाइट कर रही है, दोनों को शक्कर बैंड है, शूट कर देंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तेरा क्या रीजन है, तू खाएगा? नहीं यार, सब लोग कितने मीन है, मेरा दिल रखने के लिए हाँ बोल देता है बंदा। मीन नहीं है रीवा, ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट इसीलिए है क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और जो लोग तुमसे प्यार करते हैं ना, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकते। पॉइंट तो है, पर इस केक की किस्मत में ना बिल्कुल खत्म होना नहीं लिखा मैंने, देखा। गॉश मैन, हो गया जी, हो गया। मुबारका मुबारका तुम्हें भी शादी की। Are you serious? खुश हो जाओ यार, मॉम डैड ने हाँ बोल दिया। But you know ना, मेरे पेरेंट्स कहाँ मानेंगे यार। तुम वो सब भूल जाओ, डैड खुद चल के जाएंगे और हाँ करवा के आएंगे, तुम चिंता मत करो। Smile. Good, good girl. तुम्हें कैसे पता कि मैं स्माइल कर रही हूँ? हाँ, इसे ही तो प्यार बोलते हैं स्वीट हार्ट। हाँ, बहुत फिल्मी हो तुम। हाँ चलो, जस्ट गेट रेडी, बहु वाले कपड़े पहन लो। आई एम कमिंग विद मॉम एंड डैड। ऑलराइट, चल 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 चल, गेट रेडी फास्ट। ओके, सी यू। रख लो मुझे और भेज दो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, डू यू गेट इट? दिल खुश कर देता यार, ये सब कैसे हैंडल कर लिया तूने? आप खुश हो ना? मेरी छोड़, तू खुश है? सच बताऊं, जब आपके चेहरे पे ये नूर देखता हूं ना, दुनिया का सबसे खुश आदमी मैं बन जाता हूं। बेटा, मेरा बेटा। I'll see you later, okay? छह दिनों बाद हमारी शादी है। महेन, चलो ना जल्दी। हाँ बेटा, सेतु हम लोग घर आ रहे हैं, आनंद इन्हें जल्दी से भेज देना। चलें गायत्री? मैंने कहा ना तुमसे, सेतु तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही है, बट बी क्लियर विद द पुलिस, यू आर नॉट गोइंग टू साइन द पेपर्स, ओके? चलो। अनन्या, रिक्की से शादी के लिए हाँ कह के तुम्हें नहीं मालूम तुमने अपने सर क्या मोल लिया है। सच, मेरा बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अनन्या, उसके पास्ट को तो मैं बदल नहीं सकती, उसको भी नहीं बदल सकती। यू नो, हर लड़की ये सोचती है कि शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को बदल दूंगी फॉर द बेटर, पर कोई बदलता नहीं है। इंसान तब बदलता है जब वो खुद बदलना चाहे, और लड़के लड़के कभी नहीं बदलते। करेक्ट मॉम। आंटी, अगर मुझे रिक्की को बदलना ही होता तो मैं इसे चूज क्यों करती? कितना अकड़ू है ना, पर मैं जानती हूँ अपने रिक्की को,
और ये ना वो प्यार में पागल लड़की की डिसीजन नहीं है, हम दोनों बहुत प्रैक्टिकल है अपने बारे में। Oh, cute. पता है नन्या, यू एंड रिकी आर मेड फॉर ईच अदर, है ना मॉम? मेड फॉर ईच अदर का तो मुझे पता नहीं, बट आई हैव टू टेल यू गर्ल्स वन थिंग, यू नो कहते हैं कि द मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली, इट्स फाइन, बट जो औरत होती है शी इज द नेक ऑफ द फैमिली, एंड रिमेंबर नेक जिस तरफ मुड़ती है सर उसी तरफ घूम जाता है। देखा नन्या, मेरी सासू माँ कितनी कूल है, तुम्हें पता है जब भी मेरा और ऋषभ का झगड़ा होता है ना, मॉम ऋषभ की नहीं मेरी साइड लेती है। Wow, I love you, mom. अच्छा तो इसके बाद से मेरी भी साइड है। गलत बात है, कभी साथ नहीं देती मैं। मॉम, आपने रिकी और अनन्या की शादी का बजट देखा? हाँ। यार इट्स इनसेन, ऐसे लग रहा है हम कोई फिल्म बना रहे हैं। मेरी शादी तो इतनी छोटी सी है यार, मतलब ऋषभ हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें 100 लोग से ज्यादा नहीं चाहिए, सो इट इज परफेक्ट। और हमारा रिकी तो हॉट एंड हैपनिंग है, इतना तो चलता है। ओके बेबी, यू आर राइट देन। देखा नन्या, मॉम ने क्या कहा था, गर्दन जहाँ घूमे वहाँ। क्या कुछ कुछ ही कुछ दिस इज एनी और रिक्की की हो गई, वाह भाई वाह। ये डैडी तो पुंजू है यार, ऐसा नाम कौन रखता है ग्रुप का। और बाय द वे ये फैम जैम ग्रुप था ना, इसमें तूने पलक और मंजीत को क्यों ऐड किया? अरे यार तो अभी जो कुछ भी ऑफ लेटली हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि एक किस्म से वो लोग भी अब हमारे परिवार का हिस्सा है? I don't think so. यार, जब लोग परिवार में जुड़ते हैं ना तो परिवार बड़ा होता है, छोटा नहीं। Actually, मेरे ब्रदर की शादी है ना, I have to be generous. Let the games begin. मतलब क्या होता है? फैमिली फेस टू फेस थोड़ी ना बात करती है, ग्रुप पे बात करती है ना, ग्रुप पे देख मतलब क्या है। अच्छा तो बेसिकली a family that chats together stays together. That's it. संगीत के लिए ड्रेस ऑप्शंस भेजे हैं, चेक कर। सो कूल रीवा, पर और ऑप्शंस भेजना यार, मुझे रिकी से बेटर लगना है। साची पलक प्लीज कुछ सजेस्ट करो ना यार। एनी तू और रिक्की भाई साथ में सबसे अच्छे लगते हो, यू आर अ किलर कपल। अच्छा तो है, उसको निकाल दो बस। रिक्की कुछ तो बोल। अच्छा तू ही बता, पर्पल पहनूं या वाइट? रिक्की भाई को तो कोई भी कलर में अच्छी ही लगेगी, वैसे हनीमून की पैकिंग भी करनी है। रीवा फैमिली ग्रुप है, डिलीट दैट मैसेज, स्टूपिड। फाइन ओके। पलक प्लीज मंजीत आंटी से बोलो कि गेट इन फुल एक्शन, इतना कुछ करना है, रिकी और मेरी वेडिंग कार्ड, सारी प्रिपरेशंस, थीम्स, ब्ला ब्ला ब्ला। रीवा दी, आपके लिए ये लुक बेस्ट रहेगा। दिस बदतमीज लड़का, यू फाइंड इट फनी? Dude, this is the reason why I hate all these family groups, huh? Exit कर ले। पलक, रिकी, प्लीज तुम दोनों कुछ बोलो, कहाँ गुम हो? वैसे ये सच है कि हम लोगों के यहाँ बड़ी सोसाइटियों में ये कॉमन है डिवोर्स वगैरह, हमें डिवोर्स से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि
उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर बैठा था। देखिए क्या होता है, बात छिपाने की होती है ना। हमें पता ही नहीं था कि रोहित को सब कुछ मालूम है। अगर हमें ये बात मालूम होती तो फिर तो सबके सामने वो नहीं होता जो मैंने किया। क्या होता है भाई साहब, बात कुछ संयोग की होती है और वो संयोग ऐसे बनते हैं, पर मैं कुछ ज्यादा ही बिगाड़ बैठा। भाभी जी सच कहूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई उसके बाद, और अब मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूँ। प्लीज माफ कर दीजिएगा मुझे उस बात के लिए। क्या है पुरी साहब, उस दिन जो कुछ भी हुआ अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ? हमने सेतु की बात सुनी है, सेतु की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिश्तेदारी के बाद महेन विल साइन द पेपर्स, सॉरी ये पॉसिबल नहीं होगा। भाभी जी हकीकत तो ये है कि वो सब अब हम सोच ही नहीं रहे। मैंने माफी मांगी ना भाई साहब से, अभी हाथ जोड़ के तो माफी मांगी। हम तो अब जान पाए हैं कि हमारा रिश्ता कैसे ईमानदार ऑफिसर के घर में हो रहा है, और हम खुश हैं, अपने रोहित से बहुत खुश हैं कि उसने बहुत देख कर परख कर सेतु का और उसके परिवार का चुनाव किया है। और अंकल भाग के शादी करने का आइडिया भी मेरा ही था, क्योंकि मुझे लगा डैड सेतु को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ आई डोंट रियली केयर, और मुझे लगता है सेतु को भी कोई परवाह नहीं। हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पेपर साइन करो या नहीं करो, बट शादी के लिए मना मत कीजिए अंकल। पुरी साहब सेतु के लिए हमारी हाँ है। और ये खुशी मेरे सेतु के चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए। हेलो हेलो, क्या हुआ, किसका फोन था? कुछ नहीं, सेतु आई एम सो हैप्पी फाइनली। तुमसे ज्यादा खुशी ना मुझे। Let's meet at King's Cup. बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। अरे अभी कहाँ जा रहे हो तुम? सब लोग अंदर हैं ना, come let's sit inside ना। एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मैं तुम्हें मिलता हूँ। मैं तुम्हें टेक्स करता हूँ। रोहित, 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 लेकिन अरे सुनो, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया उसे? जी खुल के मैं मंजू जी से बात कर रही हूँ, आई एम इन टच विद हर, वो सारी अरेंजमेंट्स कर रही है। ठीक है डूड, मैं ना ये सारी फोटोज में डाल रही हूँ तुम्हारे रिक्की यानी की वाह भाई वाह ग्रुप में, जिसको चेक करनी कर लो। आई एम गोना टैग इट द सुपर ऑसम कूल रिक्की बाय, होल्ड अ टाइटल नो, अपना फेस जरा अपनी ब्राइड के फेस के करीब तो लेके आओ, ऐसा लगना चाहिए जैसे किस कर रहे हो। चलो एक अच्छा सा मुझे आप पोज दे दो, परफेक्ट, वाओ दैट्स बेटर। ओ जी मैंने ना बड़ा ठाठा कोरियोग्राफर भेज दिए नून्स के कार दसा कौन, ओ मिक्की वालिया नाम भी बड़ा ठाठा है। ये सब ना तूने इतने बड़े बड़े घर में शादियां की है ना, सब उसी का फायदा है। बस सेतु के वक्त ना गलती हो गई यार, वो मुआ कबीर इतना पैड़ा बंदा निकला यार। पहले जो होना था वो हो गया, छोड़िए उस बात को, लेकिन ये जो लड़का रोहित है जी, ठीक है जी, बुरा नहीं है। ठीक कह रहे हो भाई साहब, मैनू भी लग रहा है, पर वो रोहित के पापा मिस्टर पुरी, मैं कह देती हूँ महिन, अगर इस बार उन्होंने कुछ किया ना मैं चुप नहीं रहने वाली, I'm telling you। ठीक है ना? All right, done for the day, cool। इधर आ ना, देखना। Response देख तू, मैंने ग्रुप पे डाला था। Oh my god, cute right? Look at this one। मुझे बहुत पसंद है, एक सेकंड रुकना। किसने जवाब दिया? देखो, अब आपका जमाना तो गया, ठीक है?
नहीं जमाना क्या मीन यू आर गेटिंग मैरिड राइट आपने लड़की को देखा ना वो छोटी सी छोटी सी मतलब कैसी माय एज मुझे थोड़ी टिप्स देना उसको इंप्रेस करने के लिए किसको देख ले वो नहीं होने वाली इंप्रेस क्यों लीक ब्रो लीक पगड़ी भी ना हमें ही बनवानी है तो जरा पूछ लेना तो पगड़ी कैसी बनानी है मैं क्यों कॉल करूंगी ये आपका काम है आप बात करो ना यार वो तू उसे जानती है तो कर लेना जरा बात इससे ना तेरी माँ को बड़ा फायदा होगा कर ले मेरा बच्चा चल छित्ती 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 कर हेलो एक्चुअली मॉम ने कहा था तुम्हें कॉल करने के लिए वो तुम्हारी पगड़ी के लिए कलर रेड या पिंक रेड ओके उससे कलर पूछ किस रंग की रेड बोल रहे अच्छा पूछ गोटा चाहिए गोटा गोटे वाले गोटा चाहिए तुम्हें अपनी पगड़ी में नॉट प्लेन सो मे बी गोटा अच्छा हाँ वो राजाओं वाली कलगी होती है ना वो एने तुर्रम खां वाली बड़ी सोनी लगती है कलगी चाहिए तुम्हें अपनी पगड़ी में उसका क्या मतलब होता है कलगी मतलब वो जो घोड़े के सर पे लगाते हैं ना दैट थिंग नहीं वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा दैट्स इट या बाय बाय और अनन्यापुरी इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों कर रहे हैं प्लान करके भी तो शादी कर सकते थे ना अनन्या प्रेग्नेंट है क्या भाई मैं चाह रही हूं ना आप ना किसी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करो उसको ये बताओ कि आपकी शादी हो रही है क्या नाम था उस लड़की का आरोही एक सेकंड आरोही कौन है और जस्ट कॉल पलक ओए पलक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है